मेरा नाम गणेश लोकेन है, मैं प्रोड्यूसर हूँ इस मूवी का, सरफरोशी अ वॉर अगेंस्ट सिस्टम। हमारी कंपनी का, हमारे बैनर का नाम है इंडो ऑज एंटरटेनमेंट। इट इज़ बेसिकली सिडनी बेस्ड, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी। आई एम बेसिकली आईटी प्रोफेशनल एंड नाउ वी आर वेंचरिंग इनटू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड प्रोड्यूसिंग दिस मूवी सरफरोशी, विच इज़ बेसिकली अ पैट्रियाटिक मूवी। ये एक पैट्रियाटिक मूवी है, देशभक्ति के ऊपर है और काफ़ी अच्छी, जो ट्रू, जो आजकल जो हो रहा है, जो ट्रू इवेंट्स है, जैसे करप्शन है, टेररिज्म है, महंगाई है, जो रेप वगैरह हो रहे हैं उसके ऊपर है। और उसका, उस पर हमने को एक सोल्यूशन दिया है कि आजकल का जो यूथ है, हमारा जो यूथ है, या हमारा जो आर्मी है, कमांडोज है, या हमारे जो पुलिस है, उनको मिलकर कैसे क्या करना चाहिए हमारे सिस्टम, जो करप्ट सिस्टम है उसको चेंज करने के लिए। तो उसी के ऊपर ये हमें, हमने मूवी बनाई है सरफरोशी अ वॉर अगेंस्ट सिस्टम। जरूर, इसमें देखिए लीडिंग रोल में है अयूब खान जी, जो हमारे जाने माने एक्टर हैं बॉलीवुड के, और उन्होंने जो रोल किया है वो एक ब्रेव पुलिस ऑफिसर का, एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर है जो कि एक टेररिस्ट को पकड़ता है। जैसे एक कसाब, बॉम्बे पे हमला हुआ था, कसाब को मुंबई पुलिस ने पकड़ा था, तो उसी के ऊपर है जो अयूब खान उसको पकड़ते हैं और आगे क्या होता है उसी के ऊपर है। दूसरा मेरा रोल है वो इंस्पेक्टर हूँ मैं, करण मात्रे, इंस्पेक्टर करण मात्रे का किरदार मैंने निभाया है, और वो जो अयूब खान का फ्रेंड हूँ, साथी दिखाया हूँ, और ऐसे बेहतरीन एक्टिंग के लिए। और दूसरे मुश्ताक खान जी हैं, उन्होंने एक पॉलिटिशियंस का रोल निभाया है, और बस यही है। और श्रद्धा शर्मा जी है, श्रद्धा शर्मा लीड हीरोइन के रोल में है, और उन्होंने भी काफ़ी अच्छे, एक जर्नलिस्ट का किरदार निभाया है। सर ऐसा कोई मकसद नहीं है, शी इज़ अ गुड एक्टर, और वो शी इज़ फ्रॉम बिग बॉस, उन्होंने बिग बॉस में अच्छा काम किया था, सो शी इज़ अ गुड पर्सन, लाइक शी इज गुड ह्यूमन बींग, और वो काफ़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो और आगे भी हम उनके साथ काम करेंगे, सो दैट इज़ वाई देयर इज़ नो अदर। यस सर, ये हमारा फर्स्ट वेंचर है, आई एम बेसिकली आईटी प्रोफेशनल, हम सॉफ्टवेयर। सर बहुत डिफरेंट है, लेकिन वही हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हमने सोचा अभी एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर बना लिया जाए, तो इस तरह से। लेकिन इसमें काफ़ी फ़र्क है, आईटी इंडस्ट्री में तो सारा मतलब 9 to 5 वर्क होता है, मंडे टू फ्राइडे होता है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन यहाँ पे देखा मैंने काफ़ी मेहनत होती है सर, सुबह 9 से रात को 12 बजे तक भी हमारा शूटिंग शेड्यूल चला है कभी कभी, और सारी टीम ने काफ़ी मेहनत की है, हमारे जो सारे एक्टर्स है, म्यूजिक डायरेक्टर श्रद्धा जी, डायरेक्टर जी भगीरथ जी, काफ़ी मेहनत की है, और आप देखिए फिल्म थिएटर में जाके आपको वो मेहनत नज़र आएगी, वो जो प्रोडक्ट है हमारा, वो मतलब आपको अच्छा, एक अच्छा, अच्छी फिल्म देखने का आपको एहसास होगा। और उसमें खासकर मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो हमारा क्लाइमैक्स है वो किसी भी मूवी में आज तक नहीं दिखाया ऐसा क्लाइमैक्स, मतलब सिमिलर क्लाइमैक्स हुए हैं काफ़ी, लेकिन जो एंड है वो काफ़ी बोल्ड है, मतलब मैं चाहूँगा एक तरह से हमने बोल्ड दिखाया है, जो रिपोर्टर का नहीं, क्लाइमैक्स बोल रहा हूँ मैं। सर ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल फिल्म है हमारी, पैट्रियाटिक मूवी है, और श्रद्धा जी ने काफ़ी अच्छी तरह एक्टिंग की है। बरखा, उनका रोल जो है बरखा दत्त का रोल है, सिमिलर टू बरखा दत्त जी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और ऐसा कुछ सर मुझे वो मालूम नहीं है, आई वॉज इन ऑस्ट्रेलिया, तो आई डोंट नो, लेकिन वो काफ़ी अच्छी तरह उन्होंने लिखा है जर्नलिस्ट का रोल, और काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है मैं तो, और हमारे डायरेक्टर जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, म्यूजिक डायरेक्टर अरुण बख्शी जी ने भी, एवरीबडी हैज़ वर्क्ड वेल, वर्क्ड हार्ड फॉर दिस मूवी, आवर होल टीम, एंड यू विल सी, आपने देखा अभी जो प्रोमो में हमें गाना चलाया, जो गाना है हमारे पैट्रियोटिक जो गाना है, वो तो 15 अगस्त में हर बच्चा या हर इंसान हिंदुस्तान का गुनगुना चाहेगा, इतना बढ़िया गाना है, आपको, आप सुन लो फिर। थैंक यू। आगे
जी थैंक यू वेरी मच। बात करें सर फिरोजी, इस फिल्म में क्या किरदार है आपका, किस रूप में दर्शक आपको देख पाएंगे? सरफरोशी फिल्म में एक मैं एक जर्नलिस्ट का रोल प्ले कर रही हूँ। ये एक बहुत ही सीधी सादी लड़की है जो जर्नलिज्म को बहुत प्यार करती है, बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही स्ट्रांग है। और ये रोल करते टाइम मैंने महसूस किया कि पत्रकार कितनी मेहनत करते हैं, कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, बाढ़ आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो अंदर जाते हैं, स्टोरी कवर करते हैं। तो मैंने ये फील किया कि जर्नलिज्म एक बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है। और ये फिल्म में इस रोल को करने के बाद मैं जर्नलिस्ट लोगों की बहुत बड़ी फ़ैन बन गई हूँ, और मेरी नज़र में जर्नलिस्ट पत्रकार लोगों की रिस्पेक्ट बहुत ही बढ़ गई है। इस फिल्म में किरदार की बात करें, आपका जो किरदार है बिल्कुल ही अलग है बरखा दत्त की। अगर बात करें, आप बरखा दत्त से कभी मिले? बरखा दत्त जी से मैं कभी नहीं मिली हूँ, लेकिन मैं उनसे मिलना चाहूँगी, क्योंकि उनकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जर्नलिस्ट हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, मीडिया में उनकी बहुत रिस्पेक्ट है, तो मैं डेफिनेटली उनसे मिलना चाहूँगी। एक बहुत बड़ा मामला हुआ था जो मीडिया में काफ़ी छा गए थे, शायद आपको पता है कि नहीं, बरखा दत्त का जो केस था। क्या-क्या रिसर्च किया आपने अपने रोल के लिए? अपने रोल के लिए मैंने जैसे कि मेरी बहुत ही ग्लैमरस इमेज है, लोग और लोग मुझे उसी तरह से देखना पसंद करते हैं, लेकिन इस रोल के लिए मैंने स्पेशली उस तरह के कपड़े डिज़ाइन मेरे लिए स्पेशली ऐसे कपड़े डिज़ाइन किए गए कि जिसमें मैं जर्नलिस्ट लगूं, ग्लैमरस डॉल कम लगूं, और बहुत ही सिंपल लुक दिया गया मुझे। हाँ, जो मेरे गाने हैं फिल्म में, उसमें डेफिनेटली मैंने शॉर्ट कॉस्ट्यूम्स पहने हैं, छोटे कपड़े पहने हैं, ग्लैमरस लुक दिया गया है मुझे, लेकिन जितने भी सीन हैं उसमें यू नो द डायरेक्टर हैज़ मेड श्योर दैट आई लुक वेरी सिंपल एंड आई लुक लाइक अ जर्नलिस्ट। इसके अलावा फिल्मों में मेरी एक फिल्म और मैंने कंप्लीट की है, दैट इज़ लव इन टेंशन। इसके अलावा मैं साउथ की अभी एक और फिल्म कर रही हूँ, दैट इज़ अनिवेशी। वी हैव कम्प्लीटेड सेकेंड शेड्यूल एंड फॉर थर्ड शेड्यूल आई विल बी लीविंग नाउ विद इन फ्यू डेज। तो अभी आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फिल्म ओनली। आखिरी सवाल, बिग बॉस आ रहा है, क्या आप भी जाने में इंटरेस्ट रखते हैं, क्या तमन्ना है बिग बॉस में जाने की आपकी? बिग बॉस के कारण मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला है, लोगों ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट की है, बहुत प्यार दिया है, तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, इतना जो फेम पॉपुलैरिटी मुझे मिली है, वो बिग बॉस के कारण मिली है। तो कभी भी अगर मुझे दोबारा ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं बिग बॉस घर के अंदर जाऊँ, तो डेफिनेटली मैं ना नहीं कहूँगी, और मुझे बहुत मज़ा आएगा। और इस बार जब मैं अंदर जाऊँगी तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि जब हम पहली बार अंदर जाते हैं तो हमें पूरा गेम प्लान पता नहीं होता और काफ़ी चीज़ें पता नहीं होती। बट नाउ आई नो इन एंड आउट ऑफ बिग बॉस हाउस, तो इस बार अगर मैं अंदर गई तो क्या करेंगे आप? इस बार अगर बिग बॉस घर के अंदर जाने का मुझे मौका मिला तो मैं डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन करूँगी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा डांस करूँगी अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लैमर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी ऑडियंस के लिए, क्योंकि लोग मेरे डांस को बहुत पसंद करते हैं, और मुझे जब मैं डांस करती हूँ तभी मैंने देखा है कि मेरी फ़ैन फॉलोइंग डांस की वजह से ही बढ़ी है। तो मैं घर के अंदर अगर मुझे मौका मिला तो मैं डांस ही करती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार 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 सर, फिल्म की बात करें, क्या किरदार है आपका,
देखिए, मेरा जो किरदार है, जो करेक्टर मैं कर रहा हूँ, वो एक आर्मी ऑफिसर का है। आर्मी वर्ड जो है, इसमें हिंदुस्तान छुपा हुआ है। अगर देश में फ्लड आता है तो आर्मी, अगर दंगे होते हैं तो आर्मी, अगर भूचाल आता है तो आर्मी। आर्मी हैज़ बिकम अ वे ऑफ लाइफ इन आर लाइफ, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। और आज जो हमारी आर्मी कर रही है श्रीनगर में, जो बचाव का काम कर रही है, इट इज़ अ सल्यूट टू इंडियन आर्मी। आई हैव रिटन ऑन माय फेसबुक पोस्ट के नेक्स्ट भारत रत्ना शुड गो टू आर्मी। आर्मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, इंडियन आर्मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। दे डू प्रोफेशनली एवरी वर्क विद अ ह्यूमन टच, एंड वी आर प्राउड टू हैव आर्मी। और जब भी मुझे आर्मी का ऑफिसर का रोल मिलता है, इससे पहले मुझे मिला था विद अजय देवगन, एक ही रास्ता, उसमें भी मैं मेजर था, बड़ा ऑनेस्ट मेजर था, एंड इट वाज अ फैंटास्टिक रोल। उसके बाद मुझे ये रोल मिला है आर्मी ऑफिसर का, जो कि मेरे सीन्स जो हैं वो दिलजान वाडिया के साथ में हैं। और दिलजान को बोलता हूँ कि मैं तुमको एक इख्तियार देता हूँ, पूरा राइट्स देता हूँ कि गो एंड विन, विनिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये जो भी टेररिज्म है उसको जाके जीतो। एंड प्राउड टू से वन थिंग कि इस टीम में, इस बड़ी खूबसूरत सी टीम है, इसमें गणेश लोके जी हैं। गणेश लोके इज़ एज अ वेरी एम्बिशियस, वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव, वेरी मोटिवेटिंग पर्सन, एंड हु इज़ हाफ द टाइम इन हिज लाइफ ही इज़ इन इंडिया एंड हाफ द टाइम ही इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। ही इज़ इंडियन ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन इंडिया, एंड ही मीन्स स्पीड, ही मीन्स गुड वर्क। एंड आर डायरेक्टर मिस्टर भागीरथ, वेरी लोकी सिंपल पर्सन, जो कि जिन्होंने काम को बड़ी बाखूबी अंजाम पहुंचाया है। और इसमें जो मेरे साथी कलाकार हैं, दे आर रियली वेरी नाइस। अयूब खान, अ सीजनड एक्टर, एंड फ्रॉम अ ग्रेट फैमिली ऑफ दिलीप कुमार, यू नो, नॉट टू फॉरगेट दिस। उसकी एक्टिंग में उसकी जीन्स में एक्टिंग है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, गणेश लोके जी हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। From a newcomer, he is a newcomer actor. He has done a wonderful job. And apart from that, aur bhi mere saathi Mushtaq Khan, again a seasoned actor, and all have done a wonderful job. And above all, the music is good. Isme desh bhakti ke gaane hain. Vaishnav Deva is again a low-key music director, and he has done an excellent job. Aur jo bhi aapne promos dekhe hain, I hope ke you like the promos. कितनी मेहनत से इस टीम ने, छोटी सी टीम ने, भागीरथ जी की टीम ने काम किया है। इट्स अ फैंटास्टिक। आर्मी ऑफिसर हैं आप, तो कहां पे ऐसे टर्निंग मोड आता है कि आर्मी ऑफिसर की क्या स्टोरी इसमें क्लेम है? जब भी कभी भी जब भी कुछ ऐसा मोमेंट आता है जब पुलिस और प्रशासन या सिस्टम हाथ डाल देता है, हाथ नीचे कर देता है, आत्मसमर्पण करता है, तो आर्मी कम्स, मतलब इट इज इंडियन प्राइड, इट्स इंडियन टोटो प्राइड। व्हेन आर्मी कम्स, इसका मतलब कि काम हो जाएगा, टेररिज्म खत्म होगा। इसका मतलब है अगर कोई फंसे हुए बचाव है, अब देखिए 6 लोग वहाँ फंसे हुए थे वहाँ पे श्रीनगर में, मेरे ख्याल से 2 लाख से ज़्यादा इन लोगों ने इतने दिन में बचाए हैं, और उनका स्पीड अप हो रहा है काम। सलाम करने को मन करता है आर्मी को। और जब भी आर्मी ऑफिसर का रोल होता है तो ऑनेस्टी आती है, कभी भी डिसऑनेस्टी नहीं आती। इट्स ऑनेस्ट आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। सर, आखिरी सवाल, आप देशभक्ति के गाने फिल्म से जुड़े कितना प्राउड कर फील करते हैं आप? जितने आपके मोस्टली गाने रहते हैं उसमें कहीं ना कहीं देशभक्ति की, हाँ जी, लहर रहती है। मैं सदा ये सोचता हूँ कि जहाँ पे भी मैं हूँ वहाँ पे ऑप्टिमिज्म हो, जहाँ पे भी मैं काम करूँ एज ए सिंगर और एज एन एक्टर, वहाँ पे एक मोटिवेशन हो। उसमें वो जो मोमेंट है, इट शुड बी द ब्राइटेस्ट मोमेंट। मुझे याद है एक गाने के साथ मैं बहुत जद्दोजहद कर रहा हूँ, वो भी देशभक्ति का गाना है, उसका म्यूज़िक मैंने दिया है और वो लिखा है मनोज कुमार जी ने। उसका मुखड़ा ये है कि तिरंगा 3 रंग का चोला, जिसको पहन के भारत बोला, हर भारतवासी है शोला, दुश्मन समझ ले जो मैं बोला। उस गाने के बाद में उसका म्यूज़िक भी मैंने दिया, गाया भी मैंने साथ में साधना सरगम। उस गाने के बाद अगर मैं देखता हूँ किसी ने कोई अच्छा एक देशभक्ति का गाना किया है, तो वो हमारे मित्र वैष्णव देवान हैं, इन्होंने किया है।
एंड आई थिंक ही इज अ वेरी गुड म्यूजिक डायरेक्टर एंड ही शुड बी गिवन ए बूस्ट. आई थिंक अब ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स का समय आ गया है. भागीरथ जी का समय आ गया है. लोकी जी जैसे जो जो अच्छे मोटिवेटिंग हैं या श्रद्धा हैं उनका समय आ गया है. दे शुड बी टेकन केयर ऑफ, दे शुड बी गिवन. एंड दिलजान का समय आ गया है. दिलजान हैज डन अ वेरी गुड जॉब. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू इज अ सीजन एक्ट. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक्स फॉर दिवाली आ रही है. दिवाली के लिए लेकर रख सकते हैं. माय नेम इज अरुण बख्शी एंड आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर दिवाली. कीप स्माइलिंग, कीप लाविंग, लाइफ इज सो ब्यूटिफुल. गॉड ब्लेस. Hi, my name is Ganesh Loke. I'm a producer of movie Sarfaroshi. I wish you a very happy and prosperous. You are an actor producer. Hi, my name is Ganesh Loke. I'm a producer and actor of movie Sarfaroshi. And I wish you a very happy Diwali and a very prosperous Diwali. All the best. Hi, I'm Shraddha Sharma and I wish you all a very happy Diwali. Hi, I'm Shraddha Sharma and I wish you all a very happy Diwali. Thank you. कोई पूछिए, कोई पूछ नहीं रहे भाग. हाँ जी सर, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन. जी मैं बचनर दवा हूँ और इस पिक्चर की म्यूजिक डायरेक्टर हूँ. और बहुत अच्छा लगा जो गणेश लोके जी हैं और अपना भागीरथी स्वाई, फिर ये लोगों ने मेरे को ये फिल्म दिया. तीन गाने हैं पिक्चर में, एक रोमांटिक, एक आइटम. लेकिन सबसे बड़ी खुशी हुई है कि भाई देशभक्ति का गाना बनाने का जो मौका मिला, वरुण बख्शी जी ने अभी अभी मेरा दिल से तारीफ किया. लेकिन मैं खुद को एक लकी समझता हूँ, भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं देशभक्ति का गाना बहुत अच्छा बना पाया. और पिक्चर देशभक्ति के ऊपर है, बहुत अच्छा बनी है और सारे कलाकार बहुत अच्छे किए हैं. दो लाइन है वो सुनाना बहुत ज़रूरी था कि भाई मुश्किलों से घिरा है हमारा वतन, चैन भी खो गया है अमन. सरफरोशी से कह दो सर पे बांध कफन, बहा दे लहू लाल कर दे गगन. मुश्किलों से घिरा है हमारा वतन. मुमताज निखत जी ने बहुत अच्छी लिखी है और पिक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है और ये लोगों को पसंद आएगा. और ये पिक्चर देशभक्ति के ऊपर और सब एक जागरूक होने का और एक जो कमांडो और ये लोग हमारा देशवासियों को कैसा बचाते हैं इसके बारे में बहुत अच्छा भागीरथी स्वाई जी ने डायरेक्शन किए हैं. आपका नाम जी? आपका नाम इंट्रोडक्शन दीजिए आपका. मेरा नाम भागीरथ स्वाई, मैं इस पिक्चर का डायरेक्टर हूँ. किस तरह की फिल्म है ये? देशभक्ति का बड़ा पिक्चर है. देशभक्ति का पिक्चर है और जो आजकल जैसे चल रहा है टेररिज्म में, तो उन पर सब्जेक्ट है ये. मेरा पहले से एक इच्छा था, जैसे मनोज कुमार साहब पिक्चर बना थे देश के ऊपर में, तो मेरा भी इच्छा था ऐसा कि पिक्चर करूं. लेकिन ज़माना तो बदल गया, अभी तो टेररिस्ट का आ गया. तो मेरे को गणेश जी जो हमारा ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं प्रोड्यूसर, उन्होंने सब्जेक्ट लेके आया. जब पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो फिर पिक्चर हमारा शुरू हुई. एक लाइन बात करें, स्टोरी क्या है? स्टोरी मीन्स आतंकवादों पर है और उसमें तीन ऑफिसर है, एक अयूब खान जो प्ले कर रहे हैं कि सच्चा पुलिस ऑफिसर है, और उनका उनका जो असिस्टेंट है मीन्स गणेश लोके साहब है, वो उनका उनका साथ है, वो भी सच्चा ईमानदार ऑफिसर है. और एक कमांडो है जो हमारा अयूब खान जो प्ले कर रहे हैं, उनका छोटे भाई है दिलजान वड़िया करते हैं जो बॉर्डर में रहते हैं, और उनका छोटा सा परिवार है. जो अयूब खान का जो मिसेस है वो समाज सेवी का है, बहुत बढ़िया है. और ये जो विलेन है हमारा एहसान खान करते हैं, भ्रष्ट नेता है,
और उनको अड्डा को कैसे कैसे हमारे ये जो अयूब खान जी उनका अड्डा को मीडिया में लाते हैं, भ्रष्ट करते हैं, तो उनमें उनका आग बबूला होता है विलेन का, वो बदला लेता है कैसे कैसे उनको दुनिया से हटाता है। अरे लोग हमारे जो गणेश लोके साहेब दिलजन वाड़िया है जो, ये लोग को कसम खाते और उनका पीछे पड़ते हैं युवाओं के ऊपर है, युवाओं आगे चल के फिर जो क्लाइमेक्स है। फोटो तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या बात है, कोई भी मेरे समोसे की तरफ नहीं देखेगा।